नमस्कार मक्कळे, इन्नु 9ने तरगतिय पाठ 3 जेनु कुरुबर ताई काडु आणेय मग नु। सो इसका आगे का लेसन हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर जो प्रीवियस क्लास में आप लोग इसका एक्सप्लेन देख चुके हैं। सो हाथी का बच्चा जो है चलते चलते गिर गया तो उसको तकलीफ होती है। गीता को नड़ेयुवाग अदु मुग्गरिसिदरे अवळ करळु दसक्केन्नुत्तदे। अदु धूळल्लि आटवाडि सोंडिलु मण्णु माडिकोंडरे जेनुकुरुब भाषेयल्लि अदन्नु बैदु तन्न हरिद शरटिन तुदियिंद अदन्नु ओरेसि उज्जि स्वच्छि माडुत्ताळे। हाथी का बच्चा क्या है, एक बार खेल खेलते हुए मिट्टी के ऊपर या पानी वो सब फेंकना हो करके अपने आंख पे सब कीचड़ डाल लेता है, तो उसको अपनी भाषा में क्या है गुस्सा करते हुए समझाते हुए अपने साड़े के पल्लू से उसका मुंह पोछते रहती है। दिनक स्वच्छ मारोता है, स्वच्छ करती है उसको। हेंडेली बीसी नीरु कायसी, सब पानी गर्म करने की पात्र में दिन केरडु बारी स्नान माडिसुत्ताळे। सो दिन में 2 बार क्या है पानी गर्म करके उसको नहलाते हैं। हालल्ली रागी कूड़ी बेरेसी अंबली माड़ी कुड़ीसी अदन्नु कुड़ियलागदे उरिदरे केट्टदागी बयुत्ताळे। सो दूध में क्या है रागी का आटा मिला के उसको अंबली गंजी के जैसा बना के पिलाती है, अगर वो नहीं पिए तो उसको गुस्सा करके मारती भी है। बैदाद नंतर अय्यो निन्न बैदेना कूसा राजा अंत मलमल मरु गुत्ताड़े। और डांटते क्षण में और मारने के बाद क्या है फिर अयो मैंने तुझको तेरे ऊपर हाथ उठाया वो के इस तरह से अम्मा ही मन क्या है उसको ये करती है। नेक्स्ट ई तुंट आने मरियु एस्टे गीतालन्नु मरुगिसलेंदु बेकादष्टु किते गळन्नु माडुत्तदे। सो बार बार क्या है यह हाथी उसको सताते ही रहता है। दिन भर क्या है होना बल्कि उछल कूद करना, कुछ भी पानी गंदा करना, पानी फेंकना, इस तरह से करते रहता है। बेकु बेकंतले तन्न सोंडलिनिंद आकिय बिगिदु कट्टिद तुरुबु अन्नु एळेयुवुदु बिसिलल्लि ओणगालु हाकिद आकिय अरिवे बट्टेगळन्नु मेले तन्न पाद चित्रगळन्नु बिडिसुवुदु इत्यादि माडुत्ताने। सो दिन भर उसको हाथी का बच्चा जो है सताते रहता है, ऐसे पानी फेंकना या उन कपड़े सुखाने को डाले से उन कपड़ों के ऊपर मिट्टी डालना, पानी डालना या अपने पैरों से कुचलना, इस तरह से करते रहता है। आगा आके सिट्टिनिंद अदर किवि हिंडी बुद्धि हेळि। सो गीता कौन इस तरह से सताते रहता है। नेक्स्ट आग आके सिट्टिनिंद अदर किवि हिंडी बुद्धि हेळि अदर किवि हिडिदु एळेदु आटद सेरेमनियंते बिरिदु तडिकेय अंगळदोळगे सेरि बैदु ओडेयुत्ताळे। सो उस हाथी का कान पकड़ के खींच के क्या है उसको गुस्सा करते हुए पूरा आंगन में फिरा के उसको एक छोटी सी लकड़ी लेके मारती है। सो मारना मतलब जोर से नहीं, चुप पैर से उसको मारते रहती है। नानो निन्ना अम्मा नीनू नन्ना मातु केळकु केळकु हट माडिदरे सौदे सोट्टी निंदा बारिसे बिडुवे एंदु गदरिसुत्ताळे। तो मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरी बात मानना, अपना जिद नहीं करना, अगर जिद करे तो मैं क्या है तुम्हें लकड़ी लेके तुम्हारे शरीर पे मारूंगी जोर से, इस तरह से उसको
गुस्से से बोलती है। गद्दारी सुदु मीन्स गुस्से से बोलना। शिवनु अष्टे तानु आने मरियंबूदु मरेतु विद्येय मगुवेंदु मगुवेंत अड़ालु तोड़गु तदे। सो यहाँ पे हाथी का बच्चा क्या है, मैं हाथ एक जानवर ना समझ के जिसे इंसानों के बच्चे रोते रहती है ना, उस तरह से उन भी रोता है। आदरे अदर आड़ो पुट्ट आने वंदु जड़ियु जड़ियुडु वंते केळुत्तदे। मूरुवरे तिंगळ आने मरी जीडुव सद्दु आ सद्दु मात्र साकु नम्म नमगे इल्लद सहज वागिल्ल अंत अनसिकेगळु। इस तरह से क्या है, हाथी का बच्चा उसको सताते रहता है और उन्हें गुस्सा करके उसको डांटती है, इसके क्या है उन्हें जोर जोर से रोते रहता है। नेक्स्ट, गीता नोड़ शिवन कण्णल्ली नीरु बरुत्तिदे। एनादरु सोंकु किंकु तोगलिर बेकु अन्नुतेने। तो बच्चा रोता रहता है वो हाथी का, तो गीता समझती कि उसे शायद आंखों में कुछ कचरा चला गया है, बोल के समझ की सोंकु अल्ला गिंकु अल्ला दक्के अदर ताय नेनपु आगिरबेकु साहेबरे आके अन्नु तारे। सो वहाँ पे जो उसका रोना देख के उन्होंने समझती, वहां पे आए हुए एक साहेब रहते जो जंगल के फॉरेस्ट अधिकारी, उनको बोलती है नहीं उन्होंने उसके आंख में कुछ कचरा हो नहीं गया है, वो क्या है अपनी माँ के याद में रो रहा है। आगे अन्नवाग आके कण्णल्ली वंदु नोविन स्थळक्के मिंचिनंते मूडी मायवागुत्तदे। तो इस तरह से बोलते हुए गीता के भी आंख में पानी आ जाता है मगर फिर और उसको ये कर देती है। आके उस संत नेलदल्ली मडी योरी कुळित्तु बिड़ताड़े। उस हाथी के पास गए, प्यार से उसको हाथ सर पे हाथ फिराते हुए उसके पास बैठ जाती। आमेले एनेनु कथेगळन्नु हेळुत्ताळे। सो बाद में क्या उसको कहानियां सुनाते रहती। अदरल्ली एनेनु कोंच ननगे अर्थवागुत्तदे। उळिदिद्दु हागे गाळियल्ली होरटु होगुत्तदे। सो हाथी के बच्चों को क्या कहानियां सुनाते रहती, कुछ समझ में आते उसको कुछ समझ में नहीं आते, तो इसी तरह से क्या वो बातें जो कहानियां हैं हवा में उड़ जा रहे कते। तो इस तरह से हाथी यहाँ पे अपना ये दिखा रहा है कि हमें यहाँ असल में मालूम पड़ता है कि अगर इंसान चाहे तो क्या है, इंसान ही बोल के नहीं जानवर भी यहाँ पे इसी तरह से एक दूसरे से प्यार से रहते हैं। तो आधुनिक किस्म क्या है, यहाँ पे साहित्य भंडार में ये सारे कहानियां हम लोग देख सकते हैं, जिससे क्या है हम लोग अपने जीवन में अच्छे से इसका उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट लेसन आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।